आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बेमिसाल कम्युनिस्ट थे, स्वतंत्रता के योद्धा थे, गुरिल्ला फाइटर थे और हमारे नेता कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जयपाल सिंह की बात करते हैं तो उनकी जीवनी का शुरुआत मैं यहां से करना चाहूंगा कि वो कहां पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए। वो शामली तहसील मुजफ्फरनगर जिला पश्चिमी यूपी के एक गांव कुरमाली गांव में पैदा हुए जून 1916 में। एक गरीब किसान के घर पैदा हुए। वो जमाना था जब अंग्रेज हम पे राज करते थे। साथियों को मालूम होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां 1857 की बगावत का गढ़ था, जहां अंग्रेज की सत्ता को बागियों ने, हिंदुस्तानी बागियों ने उखाड़ फेंका था, कि वो इलाका था। लेकिन 1857 कि कुचले जाने के बाद जो अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में निज़ाम लागू किया, जो राजस्व प्रणाली लागू की, उसके अंजाम स्वरूप बहुत भयंकर हालत थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और वहाँ के किसानी को, जिनमें जाट किसान थे, दूसरे किसान भी थे, अपने बेटों को जिंदा रखने के लिए उन्हें फ़ौज में भेजना पड़ रहा था, औपनिवेशिक फ़ौज में। ब्रिटिश औपनिवेश द्वारा हिंदुस्तान पर राज करने का जो मुख्य यंत्र था, उस फौज में उनको मजबूरन भेजना पड़ा। जयपाल सिंह के पिताजी भी उसी फौज में गए, उसका हिस्सा बने। मेजर साहब ने अपने संस्मृतियों में उन हालात का वर्णन किया है, साथियों को पढ़ना चाहिए, जिसके तहत ये किसानी के बेटे, गरीब किसान के बेटे फौजी बने और क्या फौज की भूमिका थी हिंदुस्तानियों को कुचलने में। मेजर साहब की माँ अपना घर देखने के अलावा हर रोज दूसरों के घरों में काम करती थी। क्यों? वो चाहती थी अपने बच्चों को एक शिक्षा हासिल हो, मेजर साहब की पढ़ाई हो। इसके लिए उन्होंने दूसरों के घरों में काम किए, बहुत मेहनत की। मेजर साहब भी जब बच्चे थे तो भैंस चराने ले जाया करते थे। उन्होंने अपनी संस्मृतियों में उसका भी वर्णन किया है कि क्या क्या भावनाएं उनके मन में बगावत की पैदा होती थी, वो सब देखकर, जो उनके सामने सच्चाई थी। खैर, दसवीं करने के बाद जयपाल सिंह को मौका मिला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर बीए करने का, और बीए करने के बाद एमए करने के लिए वो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा आए और वहाँ से उन्होंने एमए की। इस पूरे दौर में जब ये कॉलेज में थे तो वो राष्ट्रवादी आंदोलन से वाकिफ हुए। उस जमाने में राष्ट्रवादी आंदोलन था कांग्रेस के नेतृत्व में, पूंजीपतियों की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी हमारा आंदोलन चल रहा था, तो उससे वो वाकिफ हुए। जाना क्या है राष्ट्रवाद, क्या अंग्रेज कर रहा है, क्या अलग अलग शक्तियाँ उसके खिलाफ कैसे लड़ना चाहती हैं, वो सब उन्होंने जाना। वो कांग्रेस से उनका मोह बड़ी जल्दी भंग हो गया था। 1930 में जब वो कुल 14 साल के थे, वो शामली में थे जिस दिन गांधी जी ने अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया था, शायद अप्रैल 1930 का वाक्या है। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा 20,000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और 5 पुलिस वालों ने, केवल 5 पुलिस वालों ने लाठियों के साथ हाँक के उनको वहाँ से दौड़ा दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया, निहत्ते गिरफ्तार कर लिया। तो एक जवान लड़का, उसके मन में क्या गुजरी वो मेजर साहब बयान करते हैं कि मन में ये आया कि ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं हो सकता, हमें हथियार लेना चाहिए, हथियारबंद तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा।
वही भावनाएं और पुख्ता हुई कॉलेज में, और उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में एक क्रांतिकारियों का गुट था, वहां पर काम करता था ग्रुप, ऐसे क्रांतिकारी जो मानते थे कि हथियारबंद संघर्ष से ही हिंदुस्तान आज़ाद हो सकता है, और जो मानते थे कि जो घृणित चिन्ह हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के, उन पर हमला करके लोगों को प्रेरित किया जा सकता है बगावत करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उनसे उनका संपर्क हुआ, उन्होंने बहुत कुछ सीखा इस दौर में कॉलेज में। सामाजिक तौर पे भी उन्होंने कई नए विचार ग्रहण किए, जो विचार उनके अपने संस्कारों के खिलाफ जाते थे, और ये केवल एक बौद्धिक मामला नहीं था, वास्तविकता में उन्होंने इन मूल्यों को कबूल किया और अमल में लाए, उसका सबूत हमें 1938 में मिलता है, जब मेजर साहब की शादी होती है। अंतर जातीय विवाह, जिसमें वे दहेज लेने से इनकार करते हैं, अपने गांव का पहला आदमी जिसने हिम्मत की अंतर जातीय विवाह करने की, और डाउरी नहीं ली, दहेज नहीं लिया, और वही नहीं, पर्दा करे औरत उस पर भी उनको कोई उस पर प्रतिबंधित नहीं किया, अपनी बीवी को मजबूर नहीं किया, कोई पर्दे में नहीं रहेगी, वो उन्होंने तय किया। तो क्या ये दिखाता है, एक नौजवान अपने तजर्बे से प्रगतिशील विचारों को ग्रहण कर रहा है और उनको अमल में ला रहा है। ये वो दौर है 1939 में जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ, तब तक मेजर जयपाल सिंह जो आगे बन चढ़कर हुए, वो राष्ट्रवादी तो बन चुके थे और क्रांतिकारिता के भी कुछ अंश उनमें दिखने लगे थे। उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया कि ये मौका है अंग्रेज की फौज का हिस्सा बनके भीतर से संगठन बनाया जाए राष्ट्रवादी फौजियों का, जो वक्त आने पर राष्ट्रीय आंदोलन की मदद में उतरे, हथियारबंद उपद्रव करे, विद्रोह करे और अंग्रेज को यहाँ से हटाए। उस सोच को लेकर उन्होंने फौज में वो भर्ती हुए 1939 में। 1941 में उनको कमीशन मिली, सेकंड लेफ्टिनेंट वो बने, और ये 41-42 के दौरान एक संगठन कायम किया, जिसमें मेजर साहब और अन्य राष्ट्रवादी जो अफसर थे हिंदुस्तानी फौज के, उन्होंने मिलकर एक काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया ब्रिटिश सेना के अंदर, भारतीय अफसरों और जेसीओ और रैंक्स का एक ऐसा संगठन, जिसका मकसद ये था कि अंदर ही अंदर तैयारी की जाए विद्रोह की, हथियारबंद विद्रोह की ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चलते हुए ये विद्रोह हो, उस समय से बनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन था, कांग्रेस के नेता तो सब जेलों में जाके बैठ गए थे, लेकिन जनता बेबाक तरीके से लड़ी, बहुत जुल्म हुआ, हजारों लोग उसमें मारे गए, क्या क्या जुल्म नहीं अंग्रेज ने उसमें ढाए। उस संघर्ष की मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन ने 3,000 हथियार उपलब्ध करवाए थे बागियों को उस दौर में, तो केवल मंशा नहीं थी कि ये करना है, किया भी, 3,000 हथियार मुहैया कराए योद्धाओं को जो वो लड़ रहे थे वहाँ पर। तो इस दौर में कैसे जोखिम उठाकर ये संगठन बना, क्या इसकी गतिविधियाँ रहीं, वो मेजर साहब ने अपनी संस्मृतियों में लिखा है, उसका एक अंश आपको पढ़ना चाहिए, उसमें जो उन्होंने लिखा है। इसी क्रम में होते होते 1946 में मेजर साहब के हाथ, जब वो असम में पोस्टेड थे, एक दस्तावेज लगता है, खुफिया दस्तावेज, जिसमें ये कहा गया था और योजना दी गई थी कि जब राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेगा, तब कुछ आदिवासी तत्वों को साथ लेकर उन पर हमला करवाया जाएगा, उनको मारा जाएगा। जब ये दस्तावेज हाथ लगा तो मेजर साहब इस दस्तावेज को लेकर पहले कांग्रेस के पास गए कि ये ऑपरेशन असाइलम नाम का दस्तावेज है, इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं को मारने की योजना है, इस पर कुछ करिए, इसको छापिए अपने अखबार में, मना कर दिया। समाजवादियों के पास गए, मना कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के पास गए,
कांग्रेस पार्टी ने उसको अपने मुखपत्र में छापा और काउंसिल ऑफ एक्शन ने फौज के अंदर छाप के वो बांटा, खुफिया तरीके से उसको बांटा, तो वो रोका। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, उससे पहले काउंसिल ऑफ एक्शन को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि जो पार्टीशन को लेकर तमाम भावनाएं थी उसका असर काउंसिल ऑफ एक्शन पर भी पड़ने लगा था, जो सांप्रदायिक भावना थी। तो इसलिए मेजर साहब ने शुरुआती महीनों में 1947 के उसको ख़त्म कर दिया काउंसिल ऑफ एक्शन को। 1947 में 15 अगस्त के बाद आज़ादी मिलने के बाद 3 सितंबर को मेजर साहब ने आत्मसमर्पण किया मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी के सामने, जो दिल्ली एरिया के कमांडर थे। किसके कहने पे किया? नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी के कहने पे किया, और इस मंशा से किया कि वो अपनी जो बात है, उन्होंने क्यों छोड़ी फौज, उनको फौज छोड़नी पड़ी ना ऑपरेशन असैलम के बाद, मोहनबाड़ी से असम में एयरपोर्ट से वो फरार हुए, ना होते पकड़े जाते तो कोर्ट मार्शल करके गोली से उड़ा दिया जाता। तो उसका अंजाम ये हुआ, एक साल अंडरग्राउंड रहे और आत्मसमर्पण किया कि भाई मैं तो अपने देश के लिए लड़ा हूँ, तो मेरा कम से कम ये बताना वाजिब बनता है कि मैं क्यों फौज को छोड़ा था। वो गए, उनको हिरासत में लेके फोर्ट विलियम में बंद कर दिया गया कलकत्ता में। ये तरीका था भारत के नए शासकों का उन क्रांतिकारियों, उन देशभक्तों के साथ निपटने का जो कांग्रेस के नॉन वायलेंस अहिंसा के सिद्धांत के साथ मुत्तफिक नहीं थे, जो नहीं मानते थे और जो कहते थे कि हथियारबंद तरीके से हमें आज़ादी को हासिल करना चाहिए था। ये उन्होंने सिला दिया, एक साल बंद कर दिया, मेजर साहब को बंद करके नहीं रख पाए। 1948 में मेजर साहब फोर्ट विलियम की दीवार फाड़ कर अंडरग्राउंड हो गए, 8 साल उसके बाद अंडरग्राउंड रहे। उन्होंने अपने संस्मृतियों में लिखा है, आभार प्रकट किया है समाजवादियों के प्रति, उन्होंने शुरुआती दिनों में उनको संरक्षण दिया, रहने की जगह दी, छुपने की जगह दी वगैरह, लेकिन वे निराश थे जयप्रकाश नारायण और लोहिया से। उनका ये कहना था बातें बहुत करते, वास्तव में एक्शन में नहीं आते, बातों करने के लिए तो इनसे क्रांति करवा दो, तो नहीं आते। तो उनसे असंतुष्ट होकर वो कम्युनिस्ट पार्टी से संपर्क कायम किया और कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी पार्टी माना, कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको जगह जगह भेजा, काकद्वीप में भेजा, तेभागा आंदोलन का केंद्र काकद्वीप वहाँ भेजा, जहाँ किसान हथियारबंद तरीके से लड़ रहा था। किस मांग को लेकर? कि 2/3 हिस्सा किसी फसल का किसान या बटाईदार का होना चाहिए और केवल 1/3 जमींदार का या जोतदार का होना चाहिए, उसको लेकर लड़ाई चल रही थी। वहाँ पर एक दिलचस्प बात हुई, जो बताया करते थे, लंबे तकड़े थे, घोड़े चिट्टे थे मेजर साहब, तो वहाँ के किसानों ने सोचा कि ये स्टालिन ने, बात चल गई, स्टालिन ने कोई रूसी क्रांतिकारी भेजा है हमारी मदद करने के लिए। काकद्वीप के अलावा वो सुरमा वैली असम, जहाँ पर संघर्ष चल रहा था, हथियारबंद किसानी का संघर्ष, वहाँ गए, मणिपुर में गए, बाद में 1953 में पुडुचेरी, जो उस समय पौंडीचेरी कहलाती थी, फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के खिलाफ संघर्ष में वहाँ लोगों को ट्रेनिंग करने गए, और 1950 और 51 में उस महारण का हिस्सा भी बने जिसको तेलंगाना हथियारबंद संघर्ष कहा जाता है, उसका भी हिस्सा बने, वहाँ जाके फौजी ट्रेनिंग दी लोगों को, और 1956 तक अंडरग्राउंड रहे, बड़ी मुश्किलें झेली। 1956 में वो अपना भूमिगत जीवन छोड़कर सामने आए और शामली में 70,000 लोग उनके आगमन में खड़े हुए, उनके समर्थन में खड़े हुए। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ से निर्णय किया कि मेजर जयपाल सिंह को हम खड़ा करेंगे पार्लियामेंट के लिए, उनको खड़ा किया गया पार्लियामेंट के लिए। तमाम प्रतिक्रियावादी, तमाम कांग्रेस विरोधी सब इकट्ठे हुए, कांग्रेसी, जनसंघी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, तमाम किस्म का प्रतिक्रियावादी और शासक वर्ग के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए कि कुछ हो जाए, इनको जीतने नहीं देना। कांग्रेस के मुखिया ने तो ये चला लिया कि इस जिले में एक डकैत आ गया है,
और डकैत लूटने को फिर रहा है, इससे बचो, ये डकैत है। किस किस्म की बात उन्होंने की, तो जिन्होंने कुर्बानी दी आजादी के लिए उनके साथ ये सलूक, तो ये सलूक तो उन्होंने किया, इकट्ठे होकर उनको हरा दिया, कोई बात नहीं। तो मेजर साहब पार्टी में काम करते रहे, बाद में 1960-61 में यहाँ दिल्ली में आए, पार्टी केंद्र यहाँ था तब। और 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई तो जनसंघी पार्टी दफ्तर पर हमला करने आए थे, संशोधनवादी जो पार्टी के अंदर थे नेतृत्व में, उनमें से चुपचाप उस दफ्तर से निकल के बहुत से लोग चले गए। जो बचे उनमें मेजर जयपाल सिंह और कॉमरेड एम बसवपुरैया, हमारे पहले पॉलिट ब्यूरो के मेंबर, तेलंगाना के योद्धा, दोनों वो मौजूद थे। उन्होंने पीट पीट कर जनसंघियों को भगाया वहां से। 1964 में जब पार्टी दो फाड़ हुई, CPIM बनी, तो कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह क्रांतिकारी धारा के साथ, यानी CPIM के साथ वो आए, उसमें शामिल हुए। और उन्होंने कलकत्ता में, पार्टी का केंद्र था तब, वहां पर काम करना उन्होंने शुरू किया। कमर बंद तैयार हो रख कोटी भैयो, हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले। के दशक में 70-71 में वे दिल्ली आए फिर से वापस, और दिल्ली में उन्होंने रीजनल कमेटी हुआ करती थी पार्टी की तब, जिसमें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल थे, उसके सेक्रेटेरिएट मेंबर वो बने। 1970 में ही कांग्रेस ने पुराना केस जो अंग्रेजों ने लगाया था उसको फिर से पुनर्जीवित करके मेजर जयपाल सिंह को एक साल के लिए अलीपुर जेल कलकत्ता में डाल दिया फिर से। उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली में काम किया। 1975 में जब इमरजेंसी लगा, इसी बिल्डिंग में रहते थे वो उन पहले लोगों में से थे जिनको हिरासत में लिया गया मीसा के तहत, और उनको बंद कर दिया गया। नवंबर 1976 में ही छोड़ा गया। इस अरसे के बारे में उन्होंने बहुत दिलचस्प लेख लिखे थे। लोक हरियाणा कम करके एक पत्रिका हुआ करती थी हरियाणा से निकलने वाली, जिसका संपादक धर्म सिंह कासमी था, उसमें इन्होंने सिलसिलेवार लेख लिखे थे अपने तजर्बे के बारे में जेल के अंदर, जिसमें कैसे पूंजीपति पार्टियों के नुमाइंदे समाजवादी जनसंघी वगैरह रोया करते थे, हाय मर गए, हाय फंस गए, खाना ऐसा है, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट, वो मैंने पढ़े हैं वो लेख, बहुत दिलचस्प है। हमारा दुर्भाग्य है वो कहीं मिल नहीं रहे आजकल, अगर वो मिलते, मैंने हरियाणा पार्टी से भी बात किया था, नहीं हो पाया। उनका जो बेटा है करम सिंह कासनी का, उनसे भी बात हुई थी, वो कह रहे दीमक खा गई हमारी फाइलों को, तो होगा तो शायद किसी खुफिया डिपार्टमेंट हरियाणा के फाइलों में हो सकता है। खैर वो छोड़िए, 77 में छूटने के बाद 77 में फिर से वो दिल्ली में लगे, और 78 में दिल्ली राज्य कमेटी जब गठित हुई उसके पहले सेक्रेटरी बने। मेजर जयपाल सिंह का एक अहम योगदान है दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पार्टी को खड़ा करने में, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आज
सीपीआईएम के नेतृत्व में शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं जो उनकी छत्र छाया के तले पले हमारे पार्टी के महासचिव उसी तरह देखे, हमारे पार्टी के पूर्व महासचिव कॉमरेड प्रकाश करत, पॉलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड बृंदा करत, सब ने मेजर साहब के नेतृत्व में काम किया है दिल्ली कमेटी के अंदर, यहाँ पर यहाँ काम किया है और प्रेरणा लिया मेजर साहब से, उनके जीवन से, उनके व्यवहार से, उनके जो सेक्रीफाइस था, बलिदान था, उससे प्रेरणा ली है और आज भी काम वो कर रहे हैं। लाखों मेरा कॉमरेड जयपाल सिंह से परिचय हुआ था 1971 में, जब वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल से छूट के दिल्ली आए थे और उसी साल अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था रूड़का कलान पंजाब में और मैं भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था और कॉमरेड एके गोपालन जो किसान सभा का अध्यक्ष थे उनके साथ मेरा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए मैं भी उनके साथ चले गए थे रूड़का कलान में और रूड़का कलान में ही हमें मौका मिला कॉमरेड जयपाल सिंह से बहुत नज़दीकी से जान पहचान करने का और बातचीत करने का। मुझे याद है कि दो तीन हमारे साथी मिलके मेजर जयपाल सिंह के साथ बैठ के उनके जीवनी और उनके अनुभव के बारे में हमने सुना और उसी बातचीत में हमें पता लगा उनके फौज में क्या काम रहा ब्रिटिश फौज में और किस तरह वो विद्रोह किया और किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संपर्क हुआ और फिर बाद में तेलंगाना और पांडिचेरी वगैरह जगहों में जहां उस समय संघर्ष चल रहा था, तेलंगाना में किसानों के संघर्ष और पांडिचेरी में फ्रेंच वो कॉलोनी था वहाँ मुक्ति संघर्ष चल रहा था और पार्टी ने उनको वहाँ भेजा, वहाँ क्योंकि सशस्त्र संघर्ष चल रहा था तेलंगाना में तो वहाँ के साथियों को मदद करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए कॉमरेड जयपाल सिंह गए थे। तो उस रूड़का कलान के मीटिंग के बाद ही कॉमरेड जयपाल सिंह के साथ हमारे नज़दीकी संबंध भी बना, हम दिल्ली में उस समय विट्ठल भाई पटेल हाउस में हम रहते थे और उनके साथ और उनके परिवार के साथ हमारे अच्छी जान पहचान भी बना उस समय। कॉमरेड जयपाल सिंह दिल्ली रीजनल कमेटी के सेक्रेटरी बने जब कॉमरेड चंद्रशेखर जो पहला सेक्रेटरी था उनका अचानक देहांत हुआ हार्ट अटैक से, तब पार्टी ने तय किया था कि कॉमरेड जयपाल सिंह ये जिम्मेदारी ले। वैसे वो 71 में आके रीजनल कमेटी का मेंबर और सेक्रेटरी का सदस्य बन गया था और कॉमरेड चंद्रशेखर के देहांत के बाद वो जिम्मेदारी उन्होंने लिया। उस समय हम दिल्ली में पार्लियामेंट ऑफिस में और कॉमरेड एके गोपालन के साथ काम कर रहे थे और उस साथ साथ जेएनयू में भी हम एसएफआई का काम शुरू किया। तो उस समय लगातार हमारा कॉमरेड जयपाल सिंह के साथ संपर्क रहा, दो मैं दिल्ली पार्टी में नहीं था पहले दो तीन साल के लिए, लेकिन दिल्ली में रहते हुए विट्ठल भाई पटेल हाउस में रहते हुए हमारा रोज मुलाकात होता था और इमरजेंसी के पहले 1974 में हम दिल्ली कमेटी के सदस्य बने, उसका मतलब रीजनल कमेटी ने, रीजनल कमेटी के तहत तीन कमेटियां थी, पश्चिमी यूपी की कमेटी, दिल्ली शहर की कमेटी और हरियाणा की कमेटी। तो हम दिल्ली कमेटी के सदस्य 74 में बने, वो इमरजेंसी के एक साल पहले था, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी उस समय, संघर्षें हो रही थी, रेल हड़ताल हुई थी उस समय और छात्रों का आंदोलन चल रहा था। तो उस दौर में कॉमरेड जयपाल सिंह
हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शन देने का काम किया, और दिल्ली में हमारा काम बढ़ाने में उस समय कॉमरेड जयपाल सिंह का योगदान बहुत बड़ा था। यह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, क्योंकि वो रीजनल कमेटी के सेक्रेटरी थे कॉमरेड, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड पी सुंदरैया, उनको दिल्ली में काम के लिए जिम्मेदारी इसलिए दिया था क्योंकि उनकी सोच था कि कॉमरेड जयपाल सिंह पश्चिमी यूपी में पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान कर सकता है, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और उनका बहुत प्रतिष्ठा था लोगों के बीच में, क्योंकि जो भूमिका उन्होंने अदा की थी आज़ादी की लड़ाई में फौज में रहते हुए, तो इन इलाकों में पार्टी का बहुत, सीपीएम जब बना सीपीएम का प्रभाव बहुत कम था या ना के बराबर था, तो कॉमरेड जयपाल सिंह के प्रयत्न से कोशिशों से ही हमारा संगठन खड़ा हुआ बहुत से पश्चिमी यूपी के जिलों में, और उसके साथ साथ दिल्ली में भी जो पार्टी बहुत कमज़ोर था सीपीआई और सीपीएम के बनने के बाद, बंटवारे के बाद प्रारंभिक काम जो उस समय चल रहा था उसमें कॉमरेड जयपाल सिंह हमें सबको बहुत मदद पहुंचाया। उनकी खूबी ये थी कि वो सब कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए प्रोत्साहन करते थे, सीधे तरीके से कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, संगठन के तौर पर वो डे टू डे फंक्शनिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, सिर्फ जनरल जो है लोगों को प्रोत्साहन करना, उनको काम करने के लिए इंस्पिरेशन देना या एनकरेजमेंट देना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। मेयर साहब की कई खूबियां थी, लोग जानते नहीं है, बहुत समय हो गया है। 1982 में उनका देहांत हुआ, 11वीं पार्टी कांग्रेस विजयवाड़ा में जब थी, उससे ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1982 को उनका देहांत हुआ। तो इस पूरे दौर में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया दिल्ली में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और दो तीन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। मजदूर आंदोलन कैसे विकसित हो, वो रीढ़ की हड्डी है, वो कैसे विकसित हो, वो गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, कोई और इलाका हो, कैसे खड़ा हो, पूरी मदद उसको मिले, उसके लिए पूरे प्रयासरत रहे। मैं जब पार्टी में आया 1977 में, इमरजेंसी खत्म होने के बाद, तो हमारी मुलाकात हमारे राज्य के सचिव कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह के साथ, और तब से उनके साथ हमें काम करने का जो मौका मिला उसमें हमने कुछ चीजें बहुत नोट की, और नोट करने के साथ साथ उसे हमने स्वयं भी आत्मसात करने का प्रयास किया। एक तो मेजर साहब में अनुशासन के संबंध में बहुत गंभीर रहते थे, पार्टी का जो अनुशासन था उसके संबंध में बहुत गंभीर रहते थे। दूसरी चीज हमने ये नोट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार उनका, हमने जो नोट किया, जो हमने उनके साथ रह करके जो सीखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, नेतृत्व का किस तरह से भूमिका होती है कार्यकर्ता को डेवलप करने की, ये वाले हमने साथ करके उनसे सीखा। बहुत अच्छा व्यवहार, कार्यकर्ताओं के सामने उत्पन्न होने वाली कोई भी तरह की समस्या हो उसके सुन करके उसका इमीडिएट हल करने का प्रयास, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जीवन में लगातार काम करते हुए, इस क्रांतिकारी विचारधारा के साथ काम करते हुए इनकी जरूरत पड़ती है और इनकी जरूरत पड़ती है। जब हम आए तो
बहुत सारा गाजियाबाद में साक्षरी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसको हमने देखा। हमारे मेजर साहब लग करके लोगों के साथ बात करके समझाने का प्रयास, बुझाने का प्रयास, और फिर जब नहीं समझ में आया तो पार्टी से हटाने का भी कार्रवाई की। लेकिन ये कोई नहीं कह पाया लौट करके कि मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि वो सारे काम किया उन्होंने। दूसरा, नौजवानों पर खास नजर थी उनकी, यही भविष्य है पार्टी का। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे नौजवानों से। हम सब उनके स्नेह के पात्र रहे इस दौरान, जितना भी हमारा उनसे ताल्लुक रहा है। जो नौजवान कॉमरेड थे हमारे पार्टी में, जो नए सिरे से पार्टी में आए थे, उनके लिए कॉमरेड जयपाल सिंह उनको उनके प्रति जिस तरह डील करते थे, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, बहुत अनुभव था उनका, लेकिन सबको बराबरी से डील करते थे। तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 14 नंबर विट्ठलभाई पटेल हाउस में हम मजाक करते थे, मेजर का दरबार चलता था, और सिर्फ दिल्ली हमारे पार्टी के लोग नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी से लोग आते थे। खास तौर पर इमरजेंसी के बाद, वो जेल में थे पूरे इमरजेंसी के समय, वही पहला गिरफ्तारी दिल्ली में हुआ था उनका पार्टी में कॉमरेड का। और जेल के आने के बाद उस जमाने में जनता पार्टी बनी थी और लोकदल के लोग थे, ये सब कार्यकर्ता और लीडर कॉमरेड जयपाल सिंह से मिलने आते थे, उनसे सलाम मशवरा करते थे और सबको प्रोत्साहन करते थे। तो सिर्फ पार्टी सीपीएम के ही एक लीडर के रूप में लोग उनको नहीं देखते थे, बाकी सब सेक्शंस में, तमाम डेमोक्रेटिक सेक्शंस में, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लिए मेजर साहब एक आदर्श का एक उनका रोल था। और उनके इतने अनुभव होने के बाद भी कभी भी उनमें कोई घमंड नहीं था। ब्रिटिश फौज में मेजर था, अगर वो आर्मी में कंटिन्यू करते तो वो जनरल के पोजीशन पहुंचते, क्योंकि उस समय आज़ादी के पहले ही मेजर बन गए थे 1945-46 में। लेकिन जब लोगों से व्यवहार जो करते थे, बहुत सौम्य तरीके का व्यवहार था, बहुत नम्र तरीके का व्यवहार था। और मुझे याद है कि 14 नंबर में वो बैठे थे कमरे में, और उनके पास चारमीनार पैकेट होता था सिगरेट का हमेशा, और हम सब लोग जाके वहाँ उनसे चारमीनार सिगरेट लेके पी के बैठ के गप मारते थे। तो कॉमरेड जयपाल सिंह का वो एक भूमिका रही, एक केंद्र था वो सबके लिए, और वो सब लोग अपने अपने तरीके से मेजर साहब से बात करके उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते थे और प्रेरणा लेते थे। तो ऐसे कॉमरेड थे। मेरे अनुभव मेजर जयपाल सिंह के नेतृत्व में काम करने की, मैं समझती हूँ मेरे पार्टी की जिंदगी में वो एक बहुत ही अहम समय था मेरे लिए। मैं इमरजेंसी के दौरान, मैं यहाँ दिल्ली में, पार्टी ने मुझे दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था, मैं उससे पहले कलकत्ते में काम कर रही थी। उस समय मेजर जयपाल सिंह जेल में थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। कॉमरेड सुरजीत बताते थे कि कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह किस रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो इमरजेंसी के बाद जब वो जेल से निकले, तो पहले बार मेजर साहब से मिलकर इतने प्रभावित हुए, क्योंकि उनका जो एक अपने बारे में, मतलब इतने बड़े हीरो थे हमारे आज़ादी के संघर्ष के, इतने कुर्बानी दी उन्होंने पार्टी के लिए, लेकिन कभी भी उनके स्वभाव में, उनकी बोलचाल में, उनकी बर्ताव में किसी प्रकार की घमंड की बात तो दूर रही, लेकिन अपने बारे में कभी भी वो बात करते कि भाई मैंने ये किया। आप जानते हैं ना, आजकल के जमाने में सभी मैंने ये किया मेजर साहब में बिल्कुल नहीं था। मॉडर्स थे, और
ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनकी, कभी भी अपने को ज्यादा पेश करने का उनका बिल्कुल उनका नेचर में ही नहीं था, और ये भी एक बड़ी जरूरत। दूसरी बात ये है, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो या जिंदगी समाज में कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे हम किसी एल्डर के पास जाए जो जज न करे हमें, उस प्रकार मेजर साहब थे। तो जो मार्क्स का वो शब्द है ना, नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी, जो मानवता में गुण या बुराइयां हैं वो मेरे से दूर नहीं है, मैं उसको समझता हूं। तो वही मेजर साहब का था, नथिंग ह्यूमन इज एलियन टू मी, वो मेजर साहब उसकी एकदम प्रतीक थे, और इसलिए सभी उनको अपने मेंटर के रूप में या अपने मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो किसके पास जा सकते हैं, मेजर साहब के पास जा सकते हैं, वो जरूर इसका कुछ हल निकालेंगे। तो पर्सनली भी कार्यकर्ताओं के प्रति, और मैंने हमेशा यही समझा कि, और सभी सोचते थे ये कि मेजर साहब हमारे हैं, तो ये बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके अपने व्यक्तित्व में। हम लोग नौजवान नए नए रंग रूट आए थे पार्टी में, उस वक्त इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी के शासन के खिलाफ भी पूरा मोर्चा खुला हुआ था। जो कुछ ऐसा कानून आया जिस पर प्रदर्शन आत्मक गतिविधि हुई, तो मेयर साहब की हुंकार तो देखने को तब मिली। एक दो रैली में हमने देखा कि कहां मेयर साहब किस तरह से लाल किले के पीछे हम लोगों ने टैंक पंडाल लगाने का काम, तो मेयर साहब का जो रोल था वो बहुत अच्छा, और उनके व्यवहार से सीखने का बहुत कारण होता था। उन्होंने हमेशा जहां वर्किंग क्लास पर ध्यान देते थे वहीं पर बुद्धिजीवियों की तरफ भी उनका बड़ा ध्यान रहता था। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, तमाम इस तरह के लोग, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था। तो ये कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें हमें हमारी क्रांतिकारी विचारधारा को आगे ले जाते हैं। कोई आडंबर नहीं था, वही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सफेद कुर्ता पजामा पहनता खद्दर का, वही वो हर रोज पहना करते थे। यहाँ बैठते थे बाहर के कमरे में कुछ भी आगे, और हम में से बहुत से लोग, क्या उनका व्यक्तित्व था और क्या उनकी भूमिका थी आप समझ सकते हैं। कई लोग हम में से हर रोज पार्टी ऑफिस आते थे, शाम को काम खत्म करके जरूर 14 नंबर होकर जाते थे, मेयर साहब के से मिलते जाते थे। ये उनकी शख्सियत थी, सिखाते थे सब कुछ अपने तजर्बे से, सिखाते थे, प्रेरित करते थे। संगठनात्मक रूप में अगर आप मेजर साहब की बात करें, मैं समझती हूँ तीन मुख्य वो सवाल थे। एक, उनकी काडर पॉलिसी, कार्यकर्ताओं के संबंध में कौन से कार्यकर्ता की क्या खूबी है, क्या कमी है, उनको कौन से फ्रंट या कहाँ उनको रखना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उनके कार्यकर्ताओं के संबंध में उनकी एक रीडिंग थी, उनका जो असेसमेंट था ये बहुत ही एक ज़रूरी था। दूसरी बात है, संरचनात्मक रूप में पार्टी का जो पूरा ढांचा था और पार्टी के ढांचा के अंदर कैसे हम सबकी राय सुन सकते हैं, किसी मतलब पार्टी के अंदर निश्चित रूप पर अलग अलग सोच हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है किसी एक मुद्दे को लेकर, तो उसका कैसे हम लोग एक पॉलिटिकल लाइन को लेकर हम संगठनात्मक रूप पे सबकी बातों को धैर्य से सुनकर हम उसकी कंक्लूजन पार्टी के पक्ष में कैसे लेकर आए, ये भी उनके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट था। और तीसरी बात, किसी प्रकार के व्यक्तिगत लाइक्स डिसलाइक्स जो दिखाई देता है ना कि ये हमारे पसंद के हैं, ये हमारे गैर पसंद के हैं, मेजर साहब ने कभी नहीं था, वो सब उनके लिए बराबर थे। तो ये संगठन के अंदर, विशेषकर दिल्ली जैसे संगठन में,
जहाँ एक कमजोर शक्ति पार्टी की उस रूप में कमजोर संख्या के रूप में और कार्यकर्ता होल्टानस के रूप में ऐसे एक व्यक्ति संगठनात्मक रूप पर ये तीनों सवालों को लेकर जो उन्होंने हस्तक्षेप किया संगठन में, मैं समझती हूँ कि दिल्ली पार्टी की नींव को सही तरीके से डालने के मेजर साहब की एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका रही है। लड़ाकूपन का जो चरित्र उन्होंने जो शुरुआत की थी, आज वो पुरानी चीजें आज भी सामने को देखने को मिलती है। मेजर साहब की जो इंस्पिरेशनल रोल था, मुझे याद है कि मैं जब पहले दिल्ली में आई और टेक्सटाइल यूनियन में मैं काम करती थी वहाँ, और पहला जो एक बड़ा संघर्ष गेट पर हुआ था, एक क्लैश हुआ था स्ट्राइकर्स और स्ट्राइक तोड़ने वालों की, और हमारे भी एक बहुत ज़बरदस्त, उसमें हम तीन महिलाएं उस समय थे और हमारे भी ऊपर एक काफ़ी हंगामा हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग सब थाने में गए। कुछ ही देर में पता चला कि मेजर साहब वहाँ थाने में पहुँच गए हैं, और उन्होंने हमें प्रेरणा दी, क्योंकि पहली बार था कि इतने बड़े संघर्ष में ऐसे हमला के हमें सामना करना पड़ा, सभी को, मैं नहीं, सब जो वहाँ हमारे कॉमेंट्स थे। तो मेजर साहब वहाँ आके सबको ऐसे प्रेरणा दी, और संघर्षों में मेजर साहब की एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एक रोल उसको गाइड करने में, उसको प्रेरणा देने में, उसको आगे बढ़ाने में, वर्ग संघर्ष की जो एक समझ रही, और विशेषकर यहाँ दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र और टेक्सटाइल यूनियन के साथ, क्योंकि वहाँ संगठनात्मक काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थे, तो मेजर साहब का एक रोल था उसको उसका हल निकालने में बहुत सकारात्मक। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया, विजयवाड़ा जाने से पहले 1982 में जनवरी के शुरू में बैंकों की हड़ताल थी। मैं घूमता घामता आ गया, यहाँ बैठे हुए थे, कह रहे चलो पुशी को मैं दिखा के लाऊं रिजर्व बैंक में क्या हाल है क्या नहीं है। हम गए वहाँ पर, हड़ताल तो मुकम्मल थी, वहाँ पर पार्लियामेंट थाने का SHO TS भल्ला सरदार जी वहाँ पर मौजूद थे। मेजर साहब को देखते ही वो गिड़गिड़ा ले, मेजर साहब ये वो, अब तो आपका ज़माना है ये वो। मेजर साहब कह ठीक है, जब वो चला गया बोले पूछी ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना, तारीफ करेंगे तुम्हारी लेकिन पहला मौका मिलेगा इतना मारेंगे पानी नहीं पूछोगे। तो इस ढंग से छोटी छोटी चीज़ों पर सिखाया करते थे। मैं व्यक्तिगत रूप पर ये भी कहना चाहूँगी कि कॉमरेड पी सुंदरैया जो हमारे पार्टी के पहले महासचिव थे, मेजर साहब और कॉमरेड सुंदरैया के बहुत नज़दीक रिश्ते भी थे, क्योंकि उस समय तेलंगाना की जो आम स्ट्रगल थी उसमें कॉमरेड सुंदरैया का जो रोल था, और सब जानते हैं कि मेजर साहब वहाँ गए और हमारे साथियों के साथ रहकर जंगलों में उनकी कुछ ट्रेनिंग भी दी थी। तो मेजर साहब और कॉमरेड सुंदरैया का बहुत नज़दीक रिश्ता था। कॉमरेड सुंदरैया ने मुझे एक बात कही जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी, उन मेरी उम्र क्या थी उस समय, 28-29 साल की होगी जब मैं दिल्ली में मेट्रा, नहीं 27 साल की मैं थी शायद। तो कॉमरेड सुंदरैया ने मुझे कहा कि जो महिलाएं होल टाइमर बनते और पार्टी में आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेट की पार्टी सेक्रेटरी का क्या रुख और रवैया होता है महिलाओं को आगे बढ़ाने में, और उनकी जो विशेष प्रॉब्लम्स होते हैं समाज में और पार्टी में भी या संघर्षों में, उसको समझने के लिए उनकी संवेदनशीलता है कि नहीं, वो उस महिला के लिए और महिला कादर के लिए बहुत अनिवार्य चीज होती है। और मैं समझती हूँ कि मेजर साहब उसके संबंध में जो कॉमरेड सुंदरैया ने मुझे कहा, ये दिल्ली पार्टी के लिए इतनी जबरदस्त एक सीखने का रास्ता मेजर साहब ने कहा, जो महिलाओं के प्रति उनका एक
सकारात्मक इनकरेजिंग एक एटीट्यूड था कि आज भी दिल्ली पार्टी के अंदर उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज की तारीख 2020 में हमारे जितने पार्टी मेंबर महिलाएं हैं दिल्ली में, वो पूरे देश में भी एक रिकॉर्ड है। और मैं समझती हूँ ये मेजर साहब की विरासत को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं दिल्ली पार्टी। इमरजेंसी के टाइम में हम गुप्त रूप से काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड रूप से काम कर रहे थे, और उस समय ये तय हुआ कि ये अलग अलग कमेटियां काम करेंगे। ये रीजनल कमेटी अभी काम करना मुश्किल है, और इमरजेंसी के बाद 77 के बाद 78 में ये रीजनल कमेटी भंग किया गया और 3 अलग कमेटियां स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। कॉमरेड जयपाल सिंह को दिल्ली कमेटी का ही सेक्रेटरी बनाया गया था उस समय पार्टी कॉन्फ्रेंस में, और अगले कॉन्फ्रेंस के बाद वो केंद्र कमेटी में आए थे 1978 में। हमारे जलंधर पार्टी कांग्रेस में केंद्र कमेटी में उनको चुना गया, और उसके बाद अगले पार्टी कांग्रेस जो विजयवाड़ा में हुआ था उस पार्टी कांग्रेस में हम गए थे। मैं भी एक डेलीगेट था, और मैं तो रह रहा था दिल्ली और दूसरे डेलीगेट्स के साथ अपने कैंप में। तो पार्टी कांग्रेस के शुरुआत के पहले एक दिन पहले वहाँ केंद्र कमेटी की मीटिंग हुई थी, होता हमेशा पार्टी कांग्रेस के पहले केंद्र कमेटी की मीटिंग। उस मीटिंग के खत्म होते ही कॉमरेड मेजर जयपाल सिंह को एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और हमें सूचना मिली कि वो बीमार है। तो हम जब उनके होटल में गए तब हमने देखा कि उनका हालत काफ़ी गंभीर है। और कॉमरेड सुंदरिया, मुझे अभी भी याद है, कॉमरेड सुंदरिया और 2-3 हमारे लीडर्स और वहाँ हमारे डॉक्टर जो थे वो सब मिल के बहुत प्रयास किया। हम सब उनको बचाने के लिए प्रयास किया। मुझे ये पहला अनुभव था जब एक हमारे साथी इतने गंभीर हालत से बीमार थे, तो किस तरह उसको डील करना ये मुझे पता नहीं था। लेकिन कॉमरेड सुंदरिया जो था वो मुझे बताया कि अभी उनका पैर पकड़ो, ये करो, क्योंकि उनका हार्ट अटैक से बहुत वो रेस्टलेस थे, तो उसको काम करने में। लेकिन उस जमाने में उतना मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था कि वहीं उनको पूरा ट्रीटमेंट दे सके, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी वो कंडीशन उस समय नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो 2-3 घंटे के बाद उनका वहाँ देहांत हुआ। और हमने तय किया कि उनका फ्यूनरल वहीं होना चाहिए विजयवाड़ा में, क्योंकि पूरी पार्टी थी वहाँ, तमाम डेलीगेट्स थे। तो फर्स्ट डे ऑफ द सेशन को अजोन करके फर्स्ट हाफ को अगले दिन जो फर्स्ट डे था पार्टी कांग्रेस का, वो उनका फ्यूनरल हुआ, जिसमें पूरी पार्टी, पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि उनको अंतिम उनके अपने सलाम दिया, और पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रिब्यूट्स के साथ उनका वहाँ आखिरी संस्कार हुआ। हमारे लिए तो बहुत ये बड़ा शॉक था, क्योंकि हम सब समझते थे कि कॉमरेड जयपाल सिंह कम से कम एक दशक और पार्टी के लिए अपने योगदान करेंगे, और दिल्ली का से ज़्यादा मेरी समझ ये है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी और मूवमेंट को डेवलप करने में उनका बहुत पॉसिबिलिटी जो था, संभावना था, उसको हम खो दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे हरियाणा में और पश्चिमी यूपी और दिल्ली में जो उस समय इमरजेंसी के पहले 1 or 2 years और फॉरन इमरजेंसी के बाद, तो इमरजेंसी के बाद एक बहुत बड़ा उत्थान रहा ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, वर्किंग क्लास मूवमेंट में, जैसे गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, जो स्टूडेंट मूवमेंट में,
उस सब पीरियड के काडर जो निकले हैं वो कॉमरेड जयपाल सिंह को याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की थी उस पूरे पीढ़ी के साथियों को पार्टी में आने में, पार्टी में विकसित होने में और आंदोलन में शरीक होने के लिए। आज़ादी के लिए बहुत लोग लड़े, अलग अलग वर्गों के लोग लड़े, अलग अलग पार्टियों के लोग लड़े, पर आज़ादी के बाद हमने क्या देखा? बहुत से ऐसे लोग समेत विशाल बहुमत कांग्रेसियों का, वो अपनी भूमिका को भुनाने भी निकल आए। कहा पेंशन चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, ताम्र पत्र चाहिए कि हमने बहुत बड़ा काम किया था। अरे अपनी मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज निभाना, उसके लिए कुछ मांगते हो? शर्म नहीं आती? मेजर साहब उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने इनकार किया, कोई पेंशन नहीं चाहिए, कोई मुझे ताम्रपत्र नहीं चाहिए। मैंने अपने मुल्क के लिए अपने मन से, दिल से, तन से संघर्ष किया है, किसी पर एहसान नहीं किया, अपना फर्ज निभाया है, और फर्ज निभाने के लिए मुझे कोई किसी किस्म का ताम्रपत्र या पेंशन नहीं चाहिए। ये थे मेजर जयपाल सिंह। आज के समय में मेजर साहब को याद करना और मेजर साहब के रास्ते को लेकर आगे चलना इसलिए भी प्रासंगिकता है। जब आप आज दुनिया में साम्राज्यवाद बहुत तेजी के साथ अपना हमला बोलने की तैयारी कर रहा है, हमला बोला हुआ है, समाजवादी दुनिया में कुछ कमजोरी आई, उस समय में आज जरूरी है कि समाजवाद की रक्षा के लिए ऐसे लोगों के जो विचार, ऐसे लोगों के जो कार्य, उससे जो मिली सीख, उसको आज समाज में लागू करके जनता में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विचारधारा के इर्द गिर्द आंदोलन के में शामिल करने के लिए लामबंद करने की विशेष महत्व है। और आज फिर वक्त आ गया है कि जैसे हम पहले से संघर्षों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास हुआ है, आज फिर वो वक्त आ गया है कि हम जो आज हमारे मुल्क की सरकार है, जिसका चौतरफा हमला है, मजदूर वर्ग पर हमला है, किसान के ऊपर हमला है, छात्र के ऊपर हमला है, तमाम मतलब चौतरफा महिलाओं के ऊपर इतना भयानक उत्पीड़न और तमाम चीजें चल रही जिस पर सरकार की आंख मूंदी हुई है, वो समाज के हर वर्ग के ऊपर जब हमला बढ़ा है, ऐसी परिस्थिति में इनकी लामबंदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस लामबंदी को करने के लिए आज जरूरत है कि सबको जुड़कर, एकजुट होकर के समाज के बीच में खड़े होकर के इनको इकट्ठा करने का, उनके ही सवालों पर खड़ा करने का प्रयास किया जाए। तो आज जब उनको याद करते हैं तो उनकी भूमिका, उनका योगदान बहुत प्रासंगिक है। वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े थे, अपनी जान हथेली में लेकर लड़े थे। आज हिंदुस्तान के सामने साम्राज्यवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, पूरे विश्व में फिर से कोशिश है नव उपनिवेशवाद कायम करने की, साम्राज्यवाद के नेतृत्व में हमें फिर से पराधीन बनाने की। दूसरा, जिन शासक वर्गों के खिलाफ मेजर साहब लड़े थे, हिंदुस्तान का पूंजीपति, हिंदुस्तान का जमींदार जिसका नेतृत्व तो बड़ा पूंजीपति वर्ग करता है, उनके खिलाफ लड़े थे, वो आज जनता पर जो जुल्म ढा रहे हैं, केवल आर्थिक नहीं, जनवाद को खत्म कर रहे हैं, आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं और भूखों मार रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ लड़ना भी प्रेरणा स्रोत बनता है। आज जब उनको याद करते हैं तो इस विरासत को याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है। मेजर जयपाल सिंह को लाल सलाम।